इंट्रोड्यूसिंग सैमसंग गैलेक्सी M41। दोस्तों सैमसंग अपनी M सीरीज़ के दो नए फ़ोन बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है इंडिया में। पहला फ़ोन होगा गैलेक्सी M31 और दूसरा फ़ोन होगा गैलेक्सी M41। दोस्तों दोनों ही फ़ोन में आपको काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M41 के स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में और इसकी लॉन्च डेट के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। फ़ोन की बैक साइड में आपको ग्लास का बैक मिलेगा विद ग्लोसी ग्रेडियंट फिनिश। साथ में आपको मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप। फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको पंच होल डिस्प्ले मिलेगी और आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगी 6.44 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड पंच होल डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन आपको मिलेगा 1080x2340 पिक्सल का और पिक्सल डेंसिटी आपको मिलेगी 409 पिक्सल पर इंच की और आपको स्क्रीन पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा। तो दोस्तों डिस्प्ले में आपको कलर कॉन्ट्रास्ट और कलर सेचुरेशन काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के कैमरा के बारे में। फ़ोन की बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, जहां पर आपको पहला कैमरा मिलेगा 64 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा आपको मिलेगा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, तीसरा कैमरा आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा और चौथा कैमरा आपको मिलेगा 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटिक कैमरा। और दोस्तों फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको मिलेगा 24 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा। दोस्तों ये सैमसंग का पहला मिड रेंज फ़ोन होने वाला है जिसमें आपको कैमरा क्वालिटी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G का ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है। तो इस फ़ोन की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगी, गेम भी आप फ़ोन में आराम से चला पाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगा एंड्रॉयड 9.0 पाई का ऑपरेटिंग सिस्टम और कस्टम UI आपको मिलेगा सैमसंग वन UI 2.0, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है, जिससे कि आपकी फ़ोन की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन की बैटरी के बारे में। दोस्तों फ़ोन में आपको मिलेगी 5000mAh की बैटरी, जिसके साथ आपको 30W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के रैम वेरिएंट और इसकी प्राइस के बारे में। दोस्तों फ़ोन में आपको 3 रैम वेरिएंट मिलेंगे। पहला वेरिएंट आपको मिलेगा 6GB 64GB, दूसरा वेरिएंट आपको मिलेगा 6GB 128GB और तीसरा वेरिएंट आपको मिलेगा 8GB 128GB। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन की प्राइस के बारे में। दोस्तों बेस वेरिएंट की प्राइस यानी कि 6GB 64GB वाले वेरिएंट की प्राइस आपको लगभग इंडिया में 18,000 रुपये के आसपास देखने को मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन की लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है इंडिया में मार्च के एंड तक। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।